महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव महासमिति द्वारा 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ 17 अक्टूबर को समापन हुआ। यह आयोजन का 24वां वर्ष है। कार्यक्रम के प्रथम दिन महर्षि वाल्मीकि जी का आवाहन, पूजन, सुंदरकांड पाठ व भंडारे का आयोजन हुआ। साथ ही प्रादेशिक स्तर पर विशाल चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया। इस शिविर में आउटसोर्सिंग, संविदा नियमित सफाई कर्मियों के कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं के अनुसार लाभान्वित करने के प्रभावी प्रयास पर विचार विमर्श हुआ। जन्मोत्सव के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को जन जागरण हेतु वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए नगर निगम स्थित वाल्मीकि मंदिर पर ही समाप्त हुई। इसके पश्चात समाज के मेघावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के अवसर पर नगर निगम स्थित वाल्मीकि मंदिर में पंचामृत द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी का अभिषेक किया गया एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव एवं समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। अतिथियों के आगमन पर आयोजक मंडल द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथि द्वारा हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। यात्रा में बग्घियों पर महर्षि वाल्मीकि, भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, नारद मुनि एवं हनुमान जी का स्वरूप लिए कलाकार विराजमान थे। वहीं घोड़े पर झांसी की रानी का स्वरूप लिए बालिका यात्रा की अगुवाई कर रही थी। सबसे पहले आज सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड वासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं अशोक प्यारे भाई साहब का, जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में एक बहुत विशाल यात्रा आज झांसी के अंदर निकल रही है। और सत्यता ये है कि अगर हिंदुत्व का जब नाम लिया जाता है तो वाल्मीकि समाज से ताकतवर हिंदू कहीं रहा नहीं। सबसे बड़ी ताकत रखने वाला है वाल्मीकि समाज, जिसने दूसरे की सेवा करना उचित नहीं समझा, हिंदुत्व में रहते हुए गंदगी उठाना पसंद किया। तो इससे बड़ी, इनसे बड़ी प्रेरणा हिंदू समाज को लेना चाहिए। और आज सभी लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मंच पे, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। और चूंकि यह बात पूरा बुंदेलखंड जानता है कि इस कुप्रथा को मिटाने के लिए, जो कि हमारे लोगों को अछूता समझा जाता था, इसको मिटाने के लिए मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने वाल्मीकि समाज की बेटियों के पैर धोकर जो कन्यादान लेने का, उन्हें इंश्योरेंस देने का, अपनी बेटी के रूप में विदा करने का संकल्प लिया है। ऐसे में जब तक जिंदा हूँ तब तक समाज सेवा के तौर पर करता रहूंगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ। झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।